नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार हम फिर हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बिजनेस टॉप 10 के साथ। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन में 2 लाख रेस्टोरेंट्स के बंद होने का किया दावा, कहा राहत के लिए बहाल हो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। ई कॉमर्स साइट चलाने वाली कंपनी खुद का सामान अपनी वेबसाइट पर नहीं बेच पाएगी, शुरुआत में कम कीमत दिखाकर महंगी डिलीवरी का खेल होगा खत्म। फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे में अमेजॉन पर लगे गंभीर आरोप, सीसीआई ने कहा अमेजॉन ने छिपाए कई तथ्य। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कारोबार के लिहाज से भारत है एक मुश्किल देश, कहा अभी भी और सुधारों की है जरूरत। एयरटेल ने महंगे किए अपने पोस्ट पेड कनेक्शन, कंपनी का फोकस अब हर ग्राहक से कमाई बढ़ाने पर है। जोमैटो के आईपीओ की शेयर बाजार में हुई शानदार लिस्टिंग, 51% प्रीमियम के साथ ₹116 पर हुआ लिस्ट। बीपीसीएल के निजीकरण का रास्ता साफ, कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव को दी मंजूरी। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की कंपनी लाएगी 2000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ, स्टार हेल्थ ने सेबी में दाखिल किए दस्तावेज। बेस्ट क्रॉप साइंस बनी ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रॉबिन, कीटनाशक बनाने वाली भारत की पहली एग्रोकेमिकल कंपनी, भारत में 400 करोड़ रुपए का है अकेले इस कीटनाशक का बाजार। वैरायटी की कमी से भारत का कॉफी निर्यात घटा, 9 साल में सबसे कम कमाई। देश की अर्थव्यवस्था में कामकाजी लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन 26 से 59 साल के लोगों की उत्पादकता घटाने में नॉन कम्युनिकेबल रोगों का बड़ा रोल है। एसोचैम के एक सर्वे में दावा किया गया कि वायु प्रदूषण इस तरह के रोगों का सबसे बड़ा कारण है, जिस पर जल्द ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना काल में बाकी बीमारियों पर से फोकस एकदम हट गया है, यहाँ तक कि प्रदूषण के खतरे को भी कोरोना ने किनारे कर दिया है। इस भूल की याद दिलाने के लिए उद्योग संगठन एसोचैम ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एनसीडी होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीडी में डायबिटीज, हाई बीपी और पाचन संबंधी बीमारियां सबसे आम है। इसके बाद सांस से जुड़ी बीमारियां, न्यूरो डिसऑर्डर, हृदय, गुर्दे के रोग के जोखिम आते हैं। कैंसर इस कैटेगरी में सबसे कम होने वाली बीमारी है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर एक 1000 लोगों में से 116 लोग एनसीडी का शिकार हो जाते हैं। एनसीडी के खतरों में वायु प्रदूषण को सबसे प्रमुख कारण माना गया है। इस स्टडी का मकसद है भारत की वर्कफोर्स को इन बीमारियों के खतरे से बचाकर देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को बनाए रखना। स्टडी से जुड़े लोग मानते हैं कि इन बीमारियों पर काबू पाना मुमकिन है। जो इनकी फाइंडिंग्स आई हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इस समय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से कितनी लिंक्ड है, उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम हाई कैलोरी फूड्स लेते हैं, जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो हम कम काम करते हैं, इसकी वजह से हमारी जेनेटिक मेकअप की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। एसोचैम के लिए TARI ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसके नतीजों से साफ है कि एनसीडी देश में रोजगार के लिए बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीडी का जोखिम 18 साल की उम्र के बाद बढ़ जाता है और 35 साल के बाद तो यह खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। स्टडी के मुताबिक एनसीडी से पीड़ित 2/3 लोग उत्पादक समूह यानी 26 से 59 साल के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एनसीडी लोगों का बोझ लॉन्ग टर्म में नजर आएगा, क्योंकि देश की 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स धीरे धीरे उभर रहे हैं। दूसरी तिमाही में जोर का झटका खाने वाले रियल एस्टेट ने भी आने वाले दिनों में तेज छलांग लगाने के संकेत दिए। नाइट फ्रैंक, फिक्की और नेरेडको के एक साझा सर्वे में दावा किया गया है। दूसरी कोरोना लहर का अर्थव्यवस्था पर सीमित असर देखने को मिला है, लेकिन रियल एस्टेट के मामले में काफी बड़ी गिरावट की वजह रहा। नाइट फ्रैंक, फिक्की और नेरेडको के रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स में ये खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक करंट सेंटीमेंट स्कोर जनवरी मार्च के 57 से घटकर 35 पर लुढ़क गया है।
हालांकि अप्रैल जून 2020 के ऑल टाइम लो 22 से काफी बेहतर स्थिति में आ गया है। जानकारों का मानना है कि घरों को खरीदने में सेंटिमेंट्स का बड़ा रोल रहता है। दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर बरपाया था उसमें ग्राहकों के सेंटिमेंट्स का कमजोर होना लाजमी था। ऐसे में करंट सेंटिमेंट स्कोर का घटना कोई हैरत की बात नहीं है। 57 के मुकाबले 56 यानी 57 के मुकाबले 56 का नंबर अगले 6 महीने के लिए आया, यानी कि अगले 6 महीने के लिए लोग कहीं ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल चाहे रेजिडेंशियल सेक्टर हो चाहे वो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर हो उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि काफी सेल्स बेहतर होंगे और ओवरऑल सेंटिमेंट बेहतर है। इस सर्वे में सबसे दिलचस्प और गुड न्यूज उभर कर जो सामने आई है वो ये है कि इकॉनमी के ज्यादातर सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट भी अब रिकवरी की राह पर चल पड़ा है। कोविड की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल जून तिमाही में रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर सेंटीमेंट यानी अगले 6 महीने का अनुमान पॉजिटिव बना हुआ है। इस सर्वे में रियल एस्टेट डेवलपर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और PI फंड शामिल है। अप्रैल जून तिमाही में फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर 56 रहा, यानी जनवरी मार्च में 57 से महज एक अंक कम। 50 का स्कोर न्यूट्रल, 50 से ज्यादा का स्कोर उम्मीद भरा, जबकि 50 से कम निराशावादी माहौल का संकेत देता है। इस सर्वे के नतीजे साफ संकेत देते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सभी प्लेयर्स को अगले 6 महीनों में घरों की बिक्री और लॉन्च में बढ़ोतरी का भरोसा है। आप देखेंगे बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग स्टेज पर हैं, तो वो जो नंबर्स आएंगे वो जो पिछले साल के नंबर से उनको क्रॉस कर जाएंगे और अब पब्लिक सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हुआ है। वैक्सीनेशन ड्राइव में लोगों को ये समझा दिया है कि अब सेफ्टी है, लोग अब कोरोना को एक लाइफ का पार्ट मान के इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वैक्सीनेशन ड्राइव का इफेक्ट थर्ड वेव में बहुत कम दिख रहा है, तो ये पॉजिटिविटी रियल एस्टेट के अंदर जो है आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी इस सर्वे में खुशखबरी जाहिर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि सर्वे में शामिल 80% से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इकोनॉमी के बेहतर रहने की उम्मीद है। आदित्य के राणा आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।